बुलंदशहर से बड़ी खबर। बुलंदशहर पुलिस ने लोकसभा चुनाव से पहले पकड़ी अवैध तमंचा फैक्ट्री। एक आरोपी सुनील हुआ गिरफ्तार, दूसरा मौके से फरार। पहासू में चल रही थी तमंचे बनाने की फैक्ट्री। बड़ी खबर बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर 5,000 रुपए में क्रिमिनल्स को बेचते थे अवैध तमंचा। सुनील पर अलग अलग धाराओं में दर्ज है 18 मुकदमे। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत श्रीमान एसएसपी महोदय बुलंदशहर द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल दिनांक 22 मार्च 2024 को थाना पहासू पर एक अभिसूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ही एक गांव भैयापुर में अवैध शस्त्र बनाने का एक कारखाना संचालित है, जिस पर थाना पहासू पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई तथा वहां से एक अभियुक्त जिसका नाम सुनील पुत्र चंद्रपाल निवासी ग्राम भैयापुर थाना पहासू है, उसे मौके से गिरफ्तार किया गया तथा एक दूसरा अभियुक्त जीतू पंडित निवासी ग्राम कलाखुरी थाना शिकारपुर वह मौका पाकर भागने में सफल रहा। वहीं से पुलिस को कुछ अवैध तमंचे 315 बोर व 12 बोर के अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। जिंदा व खोखा कारतूस, कुछ अधबने तमंचे तथा ये अवैध शस्त्र बनाने के काफ़ी मात्रा में उपकरण बरामद हुए हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस अभियुक्त पर सुनील पुत्र चंद्रपाल पर इससे पूर्व 17 मुकदमे गंभीर धाराओं में विभिन्न थानों पर दर्ज थे। इस प्रकार की कार्यवाही पुलिस के द्वारा की गई। अच्छा सर, जिस तरह से लोकसभा का चुनाव की नज़दीक है, तो क्या जो हथियार बनाए जा रहे थे, क्या हो सकता है लोकसभा चुनाव में प्रयोग में लाए जा सकते हुए? इसका कोई विशेष प्रमाण तो नहीं मिला है, लेकिन अगर अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो समाज के लिए खतरा ही है, इसलिए इन पर कार्यवाही होना जरूरी है। किस तरह का सर साफ किस तरह की, इससे पहले भी जिस तरह 17 मुकदमे तो किस तरह की चोरी हो गई या लूट हुआ या उसमें पड़ा गया? इसमें इसके ऊपर विभिन्न गंभीर धाराओं में चोरी लूट एवं अवैध शस्त्र कारखाने आदि विभिन्न धाराओं में इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं।